दोस्तों, मैं काशिप आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो सेशन के अंदर। आज का ये वीडियो सेशन है हमारी RPSC AEN 2018-19 की जो वैकेंसी आई है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया है, उसके बारे में कुछ एनालिसिस हमने किया है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चर्चा करेंगे यहाँ पे? हम चर्चा करेंगे चार बातों के बारे में। सबसे पहला होगा हमारा जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो कितनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसके अंदर बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफिशियल अवेलेबल है और ये नोटिफिकेशन आपको RPSC की वेबसाइट से भी मिल जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप जाके हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट RPSC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ये सेम ही रहेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं, जैसा पहले था सेम वैसा ही, बिल्कुल डेटो वैसा ही नोटिफिकेशन दिया है, सिवाय नंबर ऑफ पोस्ट के। नंबर ऑफ पोस्ट को तो थोड़ा चेंज किया है, बाकी सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो पहली बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट की हम, कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ पे हैं, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, कितनी कितनी पोस्ट रखी हैं। फिर उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए। और उसके बाद जो हम अगली बात करेंगे वो बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, और उसके बाद स्टूडेंट के कुछ कॉमन डाउट हैं एक या दो, उनके बारे में जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, इस आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप इस एग्जाम के बारे में, या लोको पायलट है, या फिर और कोई रेलवे के अदर एग्जाम, RRB JEE है, RRB SSC SSC जूनियर इंजीनियर है, किसी के भी बारे में, कोई भी नॉन टेक या टेक एग्जाम कोई भी हो, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई क्वेरी है आपकी, आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8003378523 पर, और थोड़ी देर पश्चात ही आप जो है आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। करना क्या होगा आपको हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, आपको अपना सिटी का नाम लिखना है और कौन से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये तीनों जो चीज़ें लिख के आपको हमें व्हाट्सएप करना है, टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है। अब व्हाट्सएप करेंगे, थोड़ी देर बाद हम आपको कॉल करेंगे, जो भी क्वेरी होगी आपकी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करते हैं अपने नोटिफिकेशन की डिटेल्स, क्या क्या नोटिफिकेशन के अंदर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में। तो मैं एक तरफ नंबर ऑफ पोस्ट लिखता हुआ जाऊंगा, बीच में ब्रांच लिखता हुआ जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे नंबर, यहाँ ऊपर डिपार्टमेंट लिखता हुआ जाऊंगा। ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ पोस्ट लिख रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है आपको अच्छे से समझा दिया जाए, क्योंकि काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं या फिर काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो आपको आधी अधूरी नॉलेज देते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। जो भी आपका डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिपार्टमेंट लिखूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट होंगी, और बीच में बाकायदा ब्रांच वगैरह लिख के बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने डिपार्टमेंट की, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यानी कि पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी जिसे PhD कहा जाता है, PhED। तो PhED की वैकेंसी में बात करते हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है आपके बच्चों, वो निकली है 225, यानी 225 पोस्ट। और इन 225 पोस्ट के अंदर, या 225 पोस्ट के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पोस्ट को डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पर मैंने देखा जैसे कि अनरिजर्व है, अनरिजर्व पोस्ट के अंदर भी चार कैटेगरी दे रखी हैं आपको, जिसके अंदर कौन कौन सी मिलेंगी, सामान्य है, ये है आपकी विधवा है, परित्यक्ता है। ठीक है, तो इस तरह की आपको कैटेगरी दे रखी है हर एक डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट ना देख के जनरलाइज वे के अंदर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। इसके अलावा फुल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो AEN सिविल की जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए टोटल वैकेंसी निकली है 225 में से 137, जो काफ़ी मायने रखती हैं, काफ़ी वैकेंसीज हैं। और जो रिजर्व वैकेंसी हैं वो हैं आपकी 88, रिजर्व वैकेंसी यहाँ पे आपकी निकली है, रिजर्व कैंडिडेट के लिए 88 वैकेंसी है, वो भी काफ़ी मायने रखती है, काफ़ी वैकेंसी निकाली है RPSC ने। ठीक है, तो ये किसके लिए थी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ PhED। ठीक है, PhED डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, इसके अलावा अब देखा जाए अगली जो AEN की वैकेंसी निकाली है इन्होंने, मैक और सिविल दोनों को अप्लाई किया। मैक मतलब मैकेनिकल एंड सिविल, सॉरी इलेक्ट्रिकल, दोनों के लिए ये कॉमन वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपको 75 दे रखा है। और इन 75 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में से 42 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है, और बाकी की जो 33 है वो किसके अंदर है, रिजर्व कैटेगरी के अंदर पोस्ट आती है। तो इस वैकेंसी के अंदर ये जो ये डिपार्टमेंट है PhED का, PhD के AEN मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर दोनों ही बच्चे भर सकते हैं, चाहे मैकेनिकल के हों चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, दोनों बच्चे अपनी इन 75 सीटों पर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अलावा मैं अगले डिपार्टमेंट की ओर चलता हूँ, और जो अगला डिपार्टमेंट है आपका वो है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग के अंदर अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम वैकेंसी है। तो पंचायती राज विभाग के अंदर जो टोटल वैकेंसी आपकी निकल रही हैं वो 4 हैं। टोटल कितने पद हैं? 4 पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 3 हैं यहाँ पे, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए कितने हैं? 1 पद है। अच्छा, और पंचायती राज के ऊपर आपको कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा कि AEN फॉर सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, बट नीचे अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, तो वहाँ पर उन्होंने साफ लिख रखा है कि अगर पंचायती राज विभाग के अंदर आप जाना चाहते हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पर भैया 3 नहीं 4 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस जगह पर नहीं, टोटल RPSC की वैकेंसी में 4 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से? सिविल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले। सेकंड जो वैकेंसी है वो सिविल और एग्रीकल्चर दोनों के लिए है, ठीक है। सिविल और एग्रीकल्चर का अगर कोई बच्चा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है 4 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पंचायती राज। इसके अलावा और कोई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी नहीं निकाली है पंचायती राज विभाग ने। जो अब अगला डिपार्टमेंट आता है बच्चों आपका, उसका नाम है आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PWD। PWD है आपका अगला विभाग, और PWD ने असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग निकाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी निकाली है सिविल वाले बच्चों के लिए। बहुत अच्छा मौका है पढ़ाई करने का और एक अच्छी गवर्नमेंट असिस्टेंट इंजीनियर जैसी पोस्ट के ऊपर नौकरी पाने का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 307, जिसमें से जो अनरिजर्व हैं कैंडिडेट वो 155 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कैंडिडेट बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी सीट बची हैं आपकी 152, इन पोस्ट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पर PWD ने यहाँ पे सिविल के अलावा और किसी ब्रांच के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, ना ही मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर किसी के लिए नहीं भी। तो PWD ने सिर्फ एक कन्फाइंड रखते हुए सिविल के अंदर वैकेंसी निकाली है यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा अगला डिपार्टमेंट आएगा, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इसको बोला जाता है जल संसाधन विभाग या WRD। तो WRD ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी हद तक अच्छी वैकेंसी निकाली है, और कितनी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं आपकी? 302 हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और जिसमें से अनरिजर्व पोस्ट जो हैं आपकी वो 164 अनरिजर्व पोस्ट है और 138 रिजर्व पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट के अंदर सिविल की पोस्ट निकली है यहाँ पे, सिविल की वैकेंसी निकली है। और अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए तो शायद बात करना ही ठीक ना हो, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट जो निकली है WRD के अंदर मैकेनिकल की वो है टोटल 3 पद है, जिसमें से अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए 0 हैं और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी हैं। और इन 3 वैकेंसी में भी जो SC के बच्चे हैं, जो SC कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो उनके लिए 0 पोस्ट हैं। ST के जो बच्चे हैं ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, और OBC कैटेगरी में आने वाले बच्चों के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो ये टोटल विवरण है यहाँ पे। तो मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये वैकेंसी ठीक है, मतलब ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी, पर सिविल वाले बच्चों को इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी है, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। लगभग कितनी वैकेंसी होगी सिविल के लिए आप देख सकते हो, लगभग 800 के अबव वैकेंसी हैं, 800 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है, काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। 850 के लमसम वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिल जाएंगी, और बाकी वैकेंसी जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वगैरह के लिए हैं। और देखी जाए तो टोटल मैकेनिकल वगैरह के लिए कितनी वैकेंसी होगी यहाँ पे, लगभग 78 वैकेंसी हैं जो मैकेनिकल के लिए हैं, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के तो 75 होगी और मैकेनिकल के लिए 78 होगी टोटल वैकेंसी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव पे, जिसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड किए हैं। कहने के लिए अलग अलग है, नोटिफिकेशन के अंदर कहने के लिए अलग अलग दिए हैं, पर हैं सबके एक ही, ठीक है। जैसे कि मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के सुना ही रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ शैक्षणिक योग्यता, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी एलिजिबिलिटी। तो पहला दिया पंचायती राज विभाग के लिए,
डिग्री इन सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि अगर आपको पंचायती राज विभाग के अंदर अप्लाई करना है, जिसके अंदर टोटल 4 वैकेंसी निकली थी, किस किस के लिए थी, एग्रीकल्चर और सिविल के लिए, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं डिग्री, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए सिविल और सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये किसके लिए जो है क्राइटेरिया हो गया आपका, ये क्राइटेरिया हो गया आपका पंचायती राज विभाग के लिए। दूसरी बात ये भी होती है कि जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर हैं, जो 8 सेमेस्टर के अंदर अभी चल रहा है 8 सेमेस्टर, क्या वो इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो हाँ बच्चों, जो फाइनल ईयर के अंदर हो आप भी इस वैकेंसी को भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इन्होंने एक शर्त दे रखी है कि जब आप प्री क्वालिफाई कर ले तो मेन एग्जामिनेशन से पहले दोस्तों आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, तब तक आपको अपनी डिग्री निकालनी है, पास करनी है। तो और मेन एग्जाम में तो अभी काफ़ी टाइम है, तो मेन एग्जाम तो जहाँ तक है 18 के लास्ट में होगा, या तो या फिर क्योंकि चुनाव वगैरह रहेंगे, इलेक्शन रहेगा, तो 18 के लास्ट में भी ना हो पाए, हो सकता है 2019 के फेब या मार्च के अंदर हो, ठीक है, जैन फेब या मार्च के अंदर के आसपास ही होगा, ठीक है, अगर जो भी इसका मेन होगा। तो तब तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी डिग्री जो है अपने पास रखनी है मेन एग्जामिनेशन से पहले, तभी आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बाकी अगर देखा जाए तो आप सब एप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हो, क्योंकि आपकी डिग्री तो शायद 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फाइनल स्टूडेंट भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अनिवार्य योग्यता जो कंपलसरी दी है, उन्होंने दी है पंचायती राज विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए, यानी PhD और पंचायती राज के लिए दी गई है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ठीक है, मतलब आपको हिंदी लिखनी पढ़नी आनी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को इतनी तो आती होगी, और दूसरी बात क्या, आपको राजस्थान के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तो राजस्थान के कल्चर के बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। और ये सेम की सेम यही सेम रिक्वायरमेंट किसकी है, PhD विभाग की है, कि आप हिंदी पढ़ सकें, लिख सकें आराम से, और इसके अलावा जो राजस्थानी कल्चर है उसके बारे में आपको नॉलेज हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है, एक नोट दे रखा है यहाँ पे इन्होंने कि सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए उसी ब्रांच के अंदर डिग्री होनी चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है। अब उसके बाद हमें एज क्राइटेरिया दे रखा है, तो एज क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है कि 1 जनवरी 2019 को मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21, और मैक्सिमम 40 ईयर ओल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 साल से लेकर 40 साल तक, पर 21 साल कब हो जानी चाहिए, 1 जनवरी 2019 को आपकी एज जो है 21 कंप्लीट हो जाने वाली है, हो जानी चाहिए। पर अगर ऐसा है कि अभी आपकी एज 21 कंप्लीट नहीं हुई है, तो दोस्त आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2019 तक आपकी एज 21 होनी चाहिए। चलिए और क्या बात है यहाँ पे, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L14 दे रखा है, चलिए ठीक है। अब एक अवसर है, अवसर मतलब अटैम्प्ट जो है आपके लिए कितने दे रखे हैं, अटैम्प्ट है कि नियमानुसार परीक्षा में बैठने के लिए 3 अवसर दें, जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनको कितने 3 अटैम्प्ट दे रखे हैं, SC ST जो राजस्थान SC ST हैं उनके लिए कोई अटैम्प्ट का प्रतिबंध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी कुछ नोट वगैरह दे रखे हैं जो आप जब भी भरें नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन पर आ जाता हूँ, जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो अन्य विवरण आपको दे रखा है यहाँ पे, बोला था चयन प्रक्रिया कैसे होगी, भैया चयन प्रक्रिया जो होगी वो तीन चरण के अंदर होगी, पहले मेंस होगा, फिर प्री होगा, और लास्ट में क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू का इन्होंने नाम दे रखा है सबसे लास्ट में, पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन, यानी कि वही बेसिकली आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो तीन चरण के अंदर एग्जाम तो 2 चरण के अंदर होने वाला है, कि भाई एक तो प्री है, मेन है, जो प्री और मेन क्वालिफाई कर जाएगा वो कहाँ जाएगा, इंटरव्यू के अंदर जाएगा, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाएगा वो असिस्टेंट इंजीनियर आपका बन जाएगा, ठीक है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या होगा, देखिए परीक्षा जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ली जाएगी, लिखा हुआ है कि जो प्रारंभिक परीक्षा नहीं, प्री जो है, प्रीलिम्स जो है आपके, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर होगी, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, साफ साफ उन्होंने लिख रखा है ऑनलाइन/ऑफलाइन कैसे भी ली जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ लिख रखा है, जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा वो कन्वेक्टिव पेपर होगा, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आपका, वही जो पिछले साल तक अभी तक चलता आ रहा है वही सारी चीज़ें, तो कन्वेक्टिव पेपर होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो पूरा सिलेबस है वो बहुत जल्दी वेबसाइट पे अपलोड करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। परीक्षा का स्थान एवं ये चीज़ आती है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि परीक्षा
का स्थान जो है, जो आयोग है अपना, आरपीसी जो सर्विस कमीशन है अपना, वो कभी भी चेंज कर सकता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। चाहे तो एग्ज़ाम से पहले चेंज कर दे, उस बिल्कुल अधिकार उनके पास है। और एग्ज़ाम के बारे में ये बता रखा है कि भाई एग्ज़ाम की जो डेट है वो जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, जो उसकी अंतिम आवेदन तिथि है उसके बाद बता दी जाएगी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। और अगर मैं बात करूँ आवेदन अवधि कितनी है, तो आवेदन अवधि है आपकी 30/4/2018, यानी कि 30 अप्रैल से आपके आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और 29/5/2000, लगभग एक महीने जो है आपकी आवेदन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए स्टार्ट रहेंगे 30/4/2018 से 29/5/2018 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें रात्रि 12 बजे तक लिखा हुआ है, ठीक है, 12 AM तक आप फॉर्म जो है यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आवेदन की तिथि दे रखी है, तो इसके बाद अगर देखा जाए तो कम से कम 2 महीने तो लेगी ही। तो ये मान के चलिए जून या जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होगा किसका, RPSC AEN का, यहाँ पे जून या जुलाई के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। पर टाइम आपके पास काफ़ी है बच्चों पढ़ने के लिए, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी ऐसा वेट नहीं करना है कि पहले फॉर्म आने दो, फॉर्म भर लिए जाएँ उसके बाद हम तैयारी करेंगे, ऐसा वेट हमें बिल्कुल नहीं करना है। अभी से इसी वक्त से पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से पेपर दे रहे हो, चाहे वैकेंसी 3 हो या वैकेंसी 1 हो या 1000 हो, आपको सिर्फ एक की ज़रूरत है। जो भी वीडियो देख रहा है उन सबको एक एक वैकेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने लिए पूरी तैयारी करें, आपके पास अभी से चांस है। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने आवेदन प्रक्रिया दे रखी है, जो आप पढ़ लीजिएगा। लिख रखा है कि rpsc.rajasthan.gov.in की साइट पर जाके आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद फॉर्म फिल भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म जो है अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो संशोधन की तिथि भी 30/5 से 5 जून तक चलने वाली है आपकी, यानी कि 30 मई से 5 जून तक की आपकी रात्रि 12 बजे तक जो मॉडिफिकेशन की तिथि है वो चलेगी। तो सोच लीजिए पहले ही कि मॉडिफिकेशन हमें नहीं करवाना है, क्योंकि फॉर्म हमें एकदम सही भरना है, तो बिल्कुल सही फॉर्म भरिएगा आप। अब आते हैं, बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न की। एग्ज़ाम के अंदर 3 स्टेज है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका मेंस है, और जब आप निकल जाते हैं इन दोनों कड़ियों से तो आपका हो जाता है इंटर, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के अंदर द प्री एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होने वाले हैं, एक कंपल्सरी पेपर होगा और एक ऑप्शनल पेपर होगा। तो मैं प्री की बात कर रहा हूँ, 2 पेपर होंगे, एक क्या है आपका कंपलसरी और दूसरा ऑप्शनल। तो यहाँ पे ऑप्शनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि चाहो तो दो या मत दो, ये नहीं है। कंपलसरी का मतलब है एक कॉमन पेपर है जो सभी के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी ब्रांच से हो, सबके लिए आएगा, वो सबके लिए कंपलसरी। ऑप्शनल मतलब तुम्हारी ब्रांच वाइज, अगर आप सिविल के हो तो आप क्या भरोगे ऑप्शनल में, सिविल भरोगे, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझा रखी। और हर जो दोनों पेपर होंगे वो 200-200 मार्क्स के होंगे, ये भी 200 का होगा और ये भी 200 का होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने 200-200। तो टोटल जो फ्री होने वाला है वो आपका यहाँ पे 400 मार्क्स का फ्री होने वाला है, ठीक है, 400 मार्क्स का प्री होने वाला है। और इस कंपलसरी जो पेपर है आपका, इस कंपलसरी पेपर के लिए उन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं जो 200 मार्क्स के आएंगे, वो होगा आपका जनरल नॉलेज एंड साइंस, GK आ रहा है, GS आ रहा है, ठीक है, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ नहीं, जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ। GK में क्या आएगा, जो आपका इंडियन, जो इंडियन GK है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री भी आ सकती है, पॉलिटी भी आ सकती है, करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, ये सब इंक्लूडेड है। ये GS बिल्कुल आपके जो जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद आती है इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इट्स ज्योग्राफी, इकॉनमी एंड कल्चर। तो एक्चुअली में कौन सा GK आएगा, राजस्थान GK भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो राजस्थान GK भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के नेशनल लेवल के भी आएंगे, तो दोनों पे आपको फोकस रखना है। राजस्थान GK के अंदर क्या आ रहे हैं, ज्योग्राफिक जो चेंजेस हैं, कौन सा जो जिला है वो कितना है, और ये सब जो होते हैं राजस्थान GK के अंदर, कल्चर वगैरह, लोक नृत्य और लोकगीत, ये सब जो आते हैं वो सब आएगा आपका, ठीक है। और इकोनॉमी और कल्चर के बारे में पूछा जाएगा। जो ऑप्शनल पेपर है वही ऑप्शनल आपको 4 ब्रांचों के लिए दे रखा है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और एग्रीकल्चर है, और हर एक का पेपर वही 200-200 मार्क्स का होगा। और प्री एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे,
कितने, 2 घंटे, 2 घंटे इस पेपर के लिए और 2 घंटे आपको इस पेपर के लिए, टोटल 4 घंटे का पेपर आपका ये प्री एग्ज़ाम का होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं, प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद, अच्छा कितने पे करोगे, मिनिमम 35% अगर आप मार्क्स आते हो, मिनिमम वैसे डिपेंड करता है कट ऑफ पे दोस्तों, पर मिनिमम 35% पे आप प्री क्वालिफाई करोगे। अगर सब बर्बाद हो जाते हैं और आपके 35% नहीं आते ना, तो आप नहीं कर पाते हो, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम 35% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं प्री के अंदर। प्री क्वालिफाई करके आप जाएंगे मेंस के पास। मेंस के अंदर भी यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं आप लोगों के दोस्तों। मेंस एग्जामिनेशन जो है इसके अंदर भी 2 पेपर होने वाले हैं, और इस 2 पेपर के अंदर भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या वैसे देखा जाए तो 4 पेपर होंगे, बता देता हूँ किस तरह से। ये कौन से कंपलसरी, ये ऑप्शनल, ठीक है। कंपलसरी के अंदर देखा जाए तो जो पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी आएगी, कन्वेक्टिव पेपर है, ध्यान रखना, सब्जेक्टिव पेपर है, कन्वेक्टिव बोल दो या सब्जेक्टिव कह दो, सब्जेक्टिव पेपर है भैया, लिखना वर्णात्मक है, तो हिंदी लिखनी है। हिंदी लिखने के लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि त्रुटियों के, मिस्टेक्स के जो है मार्क्स कटते हैं, और एज एन इंजीनियर, अगर इंजीनियर हो तो हिंदी लिखे हो तो काफ़ी टाइम हो चुका होगा दोस्तों, डिप्लोमा वाले यहाँ अलाउ नहीं है, इंजीनियर्स ही हैं तो बहुत टाइम हो गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो आएगा आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, और इसको मैं एक और नाम से जान सकता हूँ, ये एक्चुअली में अभी जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम होता है ESE का, वो इस सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग को एथिकल या एथिक्स ऑफ इंजीनियरिंग या एथिकल इंजीनियरिंग नाम से देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ये सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग एथिक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और ये पेपर भी कन्वेंशनल होने वाला है, जिसमें से 100 मार्क्स की हिंदी आएगी और 100 मार्क्स का जो है आपके पास आएगा सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग आएगा। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखा जाए, लिख रखा है कि ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, फिर ऑप्शनल में 2 पेपर दे रखे हैं, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है। और ये दोनों पेपर हैं 200-200 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसके अंदर वही आपके जो सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हैं उसके बारे में बात की जाएंगी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से किसी के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 200 नंबर का पेपर होगा, कैसा होगा आपका, कन्वेक्टिव पेपर होगा। चलिए अब बात करते हैं पर्सनैलिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन यानी कि इंटरव्यू के बारे में। तो कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ द मेन एग्जामिनेशन एज मे बी फिक्स्ड बाय द कमीशन इन देयर डिसीजन शैल बी सबमिट बाय देम फॉर इंटरव्यू प्रोवाइडेड दैट नो कैंडिडेट हु फेल्स टू ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स इन ईच ऑफ द 2 कंपल्सरी पेपर्स एंड ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन द एग्रीगेट शैल बी कॉल्ड बाय कमीशन फॉर इंटरव्यू विच कैरीज 72 मार्क्स। यहाँ पे इंटरव्यू कितने मार्क्स का दे रखा है आपको, 72 मार्क्स का दे रखा है आपको, 35% 40% मार्क्स जो है वो लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो आपको क्या करेंगे, कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी और कुछ ऐसे नोट दे रखे हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो, यहाँ पे मेरा बताने का उसका कोई मतलब नहीं है। एक और चीज़ है यहाँ पे, और क्या आता है यहाँ पे, द ऑल पेपर्स अनलेस स्पेसिफाई रिक्वायर्ड शैल बी आंसर्ड इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश बट नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू आंसर एनी पेपर पार्शली इन हिंदी एंड पार्शली इन इंग्लिश अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड टू डू सो। मतलब कि आप जो है एक पेपर को या तो हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो, आप ये नहीं करोगे कि दोनों लैंग्वेज के अंदर लिख दो। और बीटेक वाले हो तो मैक्सिमम तो आप किसके अंदर दोगे, सीधी सी बात है आप इंग्लिश के अंदर ही देने वाले हो, ठीक है। बाकी जो है आप चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट हो तो आपके पास हमारा नंबर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब जो 2-3 डाउट हैं बच्चों के हमारे पास, वो मैं बता देता हूँ, उसकी लिस्ट है मेरे पास। एक तो डाउट है उनका कि क्या डिप्लोमा स्टूडेंट भर सकते हैं, तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया नोटिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले, दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर बीटेक होल्डर और बीई होल्डर। इस वैकेंसी के अंदर बीटेक भी नहीं बीई लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, है ना। तो दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर बीटेक, और ज़्यादातर तो सिविल वाले की वैकेंसी, सिविल वाले बच्चों की। तो बच्चों अभी से लग जाओ तैयारी पे, क्योंकि टाइम है, पर टाइम के साथ अपने आप को बेहतर बनाना होता है। तो अभी आपका काफ़ी टाइम है, बहुत अच्छे से आप गेन कर सकते हो, चीज़ों को पढ़ सकते हो। हम भी यहाँ पे सिविल इंजीनियर
इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों का सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप हमसे सिलेबस बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पूरा ऑल सिलेबस है, टेक्निकल नॉन टेक दोनों मिल जाएगा आपको, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा डाउट था वो था क्या आउटसाइड राजस्थान के बच्चे अलाउ होंगे, बिल्कुल हाँ, अभी तक यहाँ पे आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखा देखने के लिए कि राजस्थान के डोमिसाइल की यहाँ पे ज़रूरत है, अभी भी कहीं अभी तक तो किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा नहीं आया है, इस नोटिफिकेशन कोई नॉलेज नहीं कि सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही भर सकते हैं, तो बाहर के जो बच्चे हैं अभी तक के न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि वो दे सकते हैं। अगर आगे इस पर कोई अपडेट आएगा तो मैं अपडेटेड रहूँगा, अगर इस बारे में कोई भी जानकारी आती है तो तुरंत मैं आपके लिए एक वीडियो पेश कर दूंगा यहाँ पे, जिससे मैं आपको पूरे इस एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बता सकूँ। और दोस्तों जाते जाते इस मैं एक ही बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, वैकेंसी हैं, अच्छी वैकेंसी हैं, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, इतना मतलब इफेक्टिवनेस आपको यहाँ पे ज़्यादा लानी है, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क हमेशा पड़ता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप कितने ठीक करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं एक बच्चा 100 में से 100 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट करके आएगा तो कहीं नहीं लिखा होगा कि उसका आंसर ही उसका ही सिलेक्शन होने वाला है, पर एक बच्चा अगर 70 क्वेश्चन भी करता है या 80 क्वेश्चन भी करता है और उस 80 क्वेश्चन में से 78 क्वेश्चन उसके ठीक है तो उसका सिलेक्शन पक्का गारंटी होगा। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को अपनी इफेक्टिवनेस पे ध्यान देना है, आपको एफिशिएंसी से ज़्यादा अभी इस वक्त इफेक्टिवनेस देखने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास में ही है, प्रीलिम्स के अंदर नॉन टेक का सिलेबस भी खूब सारा है, राजस्थान जी के है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रटने वाली होती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो वो आपको ट्रिक बनानी है, याद करनी है, पढ़नी है, और अभी से आप एग्ज़ाम तैयार कीजिए, बेशक आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईजिली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस एनालिसिस को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो एक बार नंबर बता देता हूँ, आप फिर पूछ लीजिएगा हमसे 8003378523 पे आप हमसे पूछ लीजिएगा नंबर, ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।